नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। प्रेम प्रसंग की एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेमिका के पिता ने एक शख्स को इसलिए गोली मार हत्या कर दी क्योंकि वह उसकी बेटी से प्रेम किया था और शादी करने का वादा किया, लेकिन वादा को तोड़कर दूसरी लड़की से शादी रचा ली। यही से प्रेमिका के पिता कन्हैया को नागवार गुजरा और अपने बेटे के साथ मिलकर सूरज को उसके घर के पास ही गोली मार दी। गोली सर में मारी गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और ग्रामीणों ने बेहतर इलाज के लिए एम्स के पास एक निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया, जहां आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझते हुए दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी के बाद फुलवारीशरीफ पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना का अंजाम देने वाले पिता और पुत्र को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि सूरज गांव के एक लड़की से प्रेम करता था और उससे शादी करने को भी कहता था। यह जानकारी प्रेम का घर वालों को जब हुई तो लड़के से पूछा तो उसने शादी करने की बात कही और प्रेम प्रमाण चढ़ता गया। यह देख मृतक सूरज के परिजनों को जब जानकारी हुई तो उन्होंने गांव के लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया और 15 दिन पहले सूरज की शादी कहीं और करवा दी। जिस दिन सूरज की शादी हुई उस दिन से प्रेमिका के घर वाले नाराज रहने लगे और आग बबूला होकर मौके का इंतजार करने लगे और गुरुवार की रात मौका देखकर प्रेमिका के पिता अपने पुत्र के साथ मिलकर हत्या कर दी। मृतक के सर में गोली मारकर भागने लगे तो स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल फुलवारीशरीफ पुलिस ने मौके से पिता कन्हैया और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पोजीशन रेफर किया है एम्स में।